और गाइस दिस इज सॉरी टीवी एंड यू आर वाचिंग दिल्ली कपल रिव्यूज और गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज अनदर वीडियो फ्रॉम द चैनल कॉल्ड एबी वायरल तो ऐसा हुआ कि हमें ना मतलब हम किसी का कंटेंट पिक करते हैं ना जस्ट टू रिव्यू और प्रमोट और रिएक्ट एज अ रिएक्शन देने के लिए कि हाँ यार क्या चीज है ठीक है 90% जनता को ना अभी तक ये नहीं पता कि यार एक रिएक्शन चैनल है एक रिव्यू चैनल है वी मेनली फोकस ऑन द रिव्यू वीडियोस हम रिएक्शन नहीं करते हैं Now this is Abby Varel's. बोलो. Karan versus Arjun. Yes, the battle of destiny in Rashmi Rathi. प्रथम सर्ग बोलती हूँ. Karan versus Arjun, the battle of destiny in Rashmi Rathi. प्रथम सर्ग. Guys, ऐसा है कि हमने pick कर लिया. But because सबको पता है कि महाभारत में Karan और Arjun were opponents. Yes. Do not know why I have a soft corner for Karan. Because the way he approached life वो बहुत अच्छा था. There would be lot of people जो मेरे से disagree करते होंगे और कहेंगे कि नहीं हम अर्जुन को करते थे क्योंकि करण ने उनका साथ दिया जानते हुए कि वो गलत हैं इस टाइप से. But कहा गया है कि जैसे करण शूरवीर थे ना वो उनकी जान इसलिए गई क्योंकि वो ना युद्ध के उस तरफ थे. तुम जानते हुए भी ना कि तुम मर जाओगे तुम हार जाओगे क्योंकि उस तरह वासुदेव है ठीक है तब भी तुमने मृत्यु चूज की ताकि तुम अपने दोस्तों को तुमने जो जबान दी है या फिर मैं दोस्तों के साथ खड़े हो ना उस चीज के लिए मैं करण को लव करता हूँ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है उस तरफ. वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हमने बहुत बड़ा प्री रोल बना दिया है लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस. हे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नमस्कार माय नेम इज निखिल. ये कैसा इंट्रो था. नमस्कार मैं एवरीवन आई एम बानी ने वेलकम यू ऑल टू द सॉरी टीवी. थोड़ा स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है ना तो थोड़े हम कंफ्यूज जाते हैं. मतलब कोई क्या स्क्रिप्ट है कौन सी मुझे एक चीज बताओ. मतलब जो मन आता है हम बोल तो देते हैं बट यार फिर भी हिंट दे देगा कि आज मैं ऐसे शुरू कर रहा हूं. भाई दिस इज एबी वायरल्स न्यू वीडियो. आई विल नॉट कॉल इट न्यू फॉर अस बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम वी विल बी वाचिंग इट. करना वर्सेस अर्जुन. करना या फिर करण अर्जुना और या अर्जुन ठीक है. यहां पे करना लिखा था तो अर्जुना भी लिखना था. No, this is fact. Because when you move south, Karan, जैसे North Delhi में, North India में, Karan, थोड़ा नीचे जाएंगे, करना, फिर कुछ और नाम हो जाता है. This is how the dialect of the word changes. Okay, this is from Mahabharata itself. Yes. Let's jump into the video, guys. This is 9 minutes, 8 seconds. Stay with us. अगर आप हैं, जय श्री राम. ये confused प्राणी, जय श्री राम. रामायण नहीं है महाभारत की बात हो रही है. नहीं मेरा पॉइंट कुछ और था तू भी नहीं समझी वो बात. ऑलराइट 1 2 3 प्ले. जय हो जग में चले जहां भी नमन पुनीत अनल को जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को पल को किसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप और त्याग तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से निज समाधि में निरज सदा निज कर्मठता में चूर वन्य कुसुम में सा खिला कर्ण चक्की आंखों से दूर नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में समझे कौन रहस्य प्रकृति वो नहीं घर पे नहीं मतलब If you have to move out now, मतलब if you have to do something, you have to come out of your comfort zone. Yeah. वो ही तो बोला, बहुत तोड़ू बोला यार. और ना जिस तरीके से गा रहे हैं ना, उनका एक-एक word इतना clear है ना. Listen to this. अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में
समझे कौन रहस्य प्रकृति का अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर पड़े कीमती लाल, चलट पलट में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अब हेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, पढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अबे अर्जुन तेरा सुयश अभीषण में होता है धूल। यह तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। अबे आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आँख टंगी चंचन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टनकार। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सफी के सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अपवंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय यह राजपूत है यो ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम थाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति कर्ण। आई रिमेम्बर ये हुआ था कि जो अर्जुन से लड़ने के लिए कि आपको एक प्रिंस जैसे कहते हैं राजा के बेटे एक वंश से आने जरूरी था, बट इनका कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। तो दुर्योधन उधर आके उनको अपना फ्रेंड बना के उन्हें एक प्रिंस बनाता है किसी और का। यस, दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट म्यूजिक गिव्स गूज़बम्प्स यार। दिस म्यूजिक गिव्स गूज़बम्प्स। लोग ना बात करते हैं यार कहीं से पॉलिटिक्स सीखना ना, वी लुक एट ब्रिटिशर्स यार, वहां से पॉलिटिक्स सीखो। तुम्हें अगर पॉलिटिक्स सीखना ना एक बार महाभारत पढ़ लो, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा किस इस लेवल को तुम सोच नहीं सकते। वहां पे तुम चाणक्य के बारे में पढ़ लो, क्या सोच थी उसकी। चाणक्य नीति इतनी फेमस रह चुकी है। हृदय शोक से टोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिसकी पूंजी केवल पाषण, मैं क्या जानू जाति जाति ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस तो हो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के पल में सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते क्यों अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो जो उसमें झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई एक राज। कर्ण हतब्र हुआ तनिक मन ही मन कुछ फरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा सुपत चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना नहीं आए हैं मेरे भी आए, मेरे अब नहीं हो रहे। आज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ये खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता भर के उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस शूद्रोपहार से होता क्या उत्क्रांत। कि
किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको गण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह भरी सभा के बीच आज जो तूने मान दिया है पहले पहल जीवन में मुझको जो उत्थान दिया है और ऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम फिर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुक्त पुरवासी होते ही है लोक शूरता पूजन के अभिलाषी चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान लगे पूजने कर्ण को लोग कुमकुम और कमल से रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके भय की झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज दुर्योधन ने कहा भीम झूठे पक पक करते हो कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो बड़े वंश से होता क्या है खोटे हो यदि काम नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी ये क्या है तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है चलो चले घर को देखो होने को आई शाम थके होगे तुम सब चाहिए तुम सबको आराम रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते कोई कर्ण का पाठ का कोई गुण आपस में गाते सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण कहते हुए पार्थ पहुंचा ये नया राहु फिर कौन जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा एक लव्य से लिया अंगूठा कड़ी नमुख से आह रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह मगर आज जो कुछ है देखा उससे धीरज हिलता है मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट बल बाल अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा इस प्रचंड तम धूम केतु का कैसे तेज हरूंगा शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात रंग भूमि के लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते कंचन युग के शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण 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 और इस प्रकार दुर्योधन और कर्ण परम मित्र बन चुके हैं This is not complete. Yes. मुझे लगा था कि they'll tell the battle and everything, but 9 minutes में ना कैसे बता सकता है कोई आदमी? देखा जाए तो कर्ण के साथ भी politics हुई. कर्ण के साथ बहुत हुई. यार why I have a soft corner? मैंने ऐसे नहीं कि मैं किसी को hate करता हूँ या मेरा कोई strong opinion है इस चीज को लेके. एक बार नहीं कृष्ण भगवान ने ही कहानी सुनाई थी कि कर्ण ना महान है. तो अर्जुन ने पूछा कैसे? सॉरी दिस गोज लाइक दिस कि एक बार कृष्ण जी किसी को कह रहे थे कि कर्ण बहुत महान है और अर्जुन उतना महान नहीं है. तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने ना एक सोने का पहाड़ था. हाँ. ठीक है. तो कर्ण ने कहा कि ये कर्ण को दिया गया और कहा कि गरीबों में मतलब जो गांव है उसमें बांट दो. तो अर्जुन ने क्या किया उस पहाड़ का? सब में इक्वल पहाड़ बांटा. हाँ. ठीक है. बराबर. तो जब करण की बारी आई ना तो करण ने कहा गांव वालों ये पहाड़ तुम्हारा. हाँ. उसने वहां पे कोई वो नहीं किया, बाउंड्रीज नहीं बनाई. हाँ. कि किसका कितना हिस्सा है, किसका, अपने दिमाग नहीं लगाया. तो उसको ना दानवीर करण कहते थे. और गाइस हमें बहुत पसंद आया. आई एम वेटिंग इसका कोई आगे का फर्दर पार्ट हो, बट वी गोना पिक मोर थिंग्स फ्रॉम एबी बैरल. हम फैन होते जा रहे हैं. हां, मुझे बहुत मतलब कोई ना बोल ही सकता है कि ये 9 मिनट का हमने ऐसे कर दिया. मतलब एक स्टोरी चल रही थी, आप उसके साथ लगे हुए थे, आपको कुछ कुछ इंसिडेंस या कुछ कुछ स्टोरीज अपनी भी याद आ रही थी कि अच्छा हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, इससे रिलेट हो रहा था. मतलब मुझे मजा आया. So we gonna do is we gonna wrap up guys. Yes. This is the Sorry TV. My name is Nikhil. She is Bani. We gonna see you in the next video. Adios.